हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्का किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बाजार स्टाइल पाव भाजी, और ये इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इसे बार बार बना के खाएंगे। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैं गैस पे कुकर गरम कर ली हूँ। अब मैं इसमें ये 1 टेबल स्पून तेल डालूँगी। तेल के गरम होते ही अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बटर मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें ये 1 टेबल स्पून जीरा डाल दूंगी। इसे अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें ये 1 कटा हुआ आलू ऐड कर दूंगी। आलू आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें ये 1/2 कटे हुए गाजर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। इसमें मैं ये 1/2 चुकंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन चुकंदर से कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे 1 कप ये हरी मटर ऐड करी हूँ। आप चाहें तो फ्रोज़न भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। तो ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। अब मैं इसमें ये 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। अब हम इसमें 1 कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टा वाला टेस्ट चाहिए तो आप 2 टमाटर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, अब सारी सब्जियाँ अच्छे से भून चुकी हैं। अब मैं इसमें ये 1/2 ग्लास पानी डालूँगी। पानी का प्रयोग हमें ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना करना है कि हमारी सब्जियाँ आधी डूब जाएँ। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के इसे मीडियम फ्लेम पे 8 सीटियाँ आने तक पकाएंगे। क्योंकि इसमें हम चुकंदर डाले हैं तो सारी सब्जियाँ तो गल जाती हैं, उसको गलने में टाइम लगता है, इसलिए हम 8 सीटी तक इसे पकाएंगे। तो देखिए, ये 8वीं सीटी आ चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर प्रेशर निकलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम सारी सब्जियों को अच्छे से मैश कर लेंगे। इस टाइम पे मैश करेंगे तो सब्जियां अच्छे से मैश हो जाएंगी। इसे ठंडा ना करें, तुरंत ही मैश कर लें। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर की मदद से मैश कर सकते हैं, नहीं तो ये आपकी कलछी की मदद से भी मैश कर सकते हैं। और ये देखिए, कितनी बढ़िया से सब्जियां अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसे 1 बाउल में निकाल लेंगे। चलिए आइए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो मैं गैस पे कढ़ाई गर्म की, उसमें मैं 2 टेबल स्पून तेल डालूंगी। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा बटर डाल दूंगी। तेल हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारा बटर जले नहीं। अब मैं इसमें ये 1 कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। ये देखिए, एकदम फाइन चॉप प्याज है। अब मैं ये 1 कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी, बिल्कुल भी ऑप्शनल है। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, हमारा प्याज और हरी मिर्च भुन चुकी है। अब मैं इसमें ये 1 कटी हुई शिमला मिर्च डालूंगी और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। हमें प्याज को और शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज और शिमला मिर्च देखिए सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ये 8 से 10 लहसुन और 2 लाल मिर्च का पेस्ट ऐड करूँगी। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पाव भाजी में। अब हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करके हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे। अब मैं इसमें 1 कटा हुआ टमाटर ऐड करूँगी। ये देखिए, अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें ये 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ये 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला, ये 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला, और ये 1 टेबल स्पून मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा बटर डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें तब तक इसे भूनना है जब तक इस साइड से इसमें से ऑयल ना दिखने लगे। तो मसाला अब तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करूंगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा पाव भाजी में। अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते हैं। और अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम जो ये भाजी मिक्स किए थे अब वो ऐड कर देंगे। ये देखिए, और इसे भी अच्छे से एकदम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर की मदद से इसे अच्छे से एक बार और मैश कर लीजिए। वैसे इसमें इसको बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्म सब्जियों को आप अच्छे से मैश कर लेंगे तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए, भाजी अच्छे से मैश हो गई है। अब हम इसमें कटी हुई धनिया डाल देंगे। धनिया से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। और ये देखिए, अब मैं थोड़ी सी धनिया से गार्निशिंग करूँगी और ये थोड़ा सा बटर डाल देंगे। ये देखिए, हमारी बढ़िया सी एकदम भाजी बनके तैयार है। तो चलिए आइए पाव बनाने की तरफ चलते हैं। तो अब मैं एक पैन में थोड़ा सा तेल डालूँगी। तेल हम इसलिए डालेंगे कि हमारा बटर जले नहीं, और ये हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे। और ये देखिए, बटर मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालेंगे। ये देखिए,
अब मैं इसमें ये थोड़ा सा भाजी जो हम बनाए थे वो ऐड करेंगे और थोड़ी सी फ्रेश धनिया ऐड करेंगे और अब हम इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इससे एकदम स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट आएगा। अब हम पाव रख के इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए, इसको ऐसे ही दबा के सेकना है। और ये देखिए, एक साइड सेक चुका है। अब हम इसे पलट के दूसरी साइड भी ऐसे ही सेक लेंगे। तो ये देखिए, हमारा पाव दोनों तरफ से सेक के तैयार हो चुका है। तो चलिए आइए प्लेटिंग पे चलते हैं और एक बार आप इस तरह से बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा और एकदम बाजार स्टाइल बनेगा। तो ये देखिए, स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बन के तैयार है। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।